गुड आफ्टरनून, मैं आशा अपने गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको येलो आलमांडा की रिपोर्टिंग करना बताऊंगी। जो कटिंग मैं लगाई थी उसको निकाल के लाई हूँ गार्डन से, फिर उसको अब गमले में शिफ्ट करना है, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मेरे गार्डन का एक नज़ारा छोटा सा देख लीजिए, तो फिर हम चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे फ्लावर हो रहे हैं। चलिए तो चल रहे हैं फिर। ये देखिए, ये मेरा अलमंडा का है, इतना बड़ा हो गया। इसकी कटिंग लगाई थी तो ग्रो कर गया था, तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ से दो प्लांट निकाल लाई हूँ। तो इसी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या इसमें पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे हम लेकर। ये देखिए, ये बकरी का ये बीट है जिसे बकरी की नड़ी कहते हैं। और ये फ्रेंड वो बकरे की लेड़ी है, और ये गोबर की खाद है। और इसमें देखिए मैंने क्या क्या लिया है, ये गार्डन की मिट्टी है, ये देखिए कुछ रेत भी है इसी में, और ये भूसी सब इकट्ठे करके मिला के ले आई हूँ नीचे से। तो इन सबको मिलाकर और तब अच्छे से हम तैयार करेंगे। और इसमें ये किचन वेस्ट मटेरियल है, ये भी उसी में डाल देंगे मिलाकर, तो सब उसी में कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और चलिए दिखाते हैं। देखिए इतना बड़ा ये बकेट है, इसी में लगाएंगे, क्योंकि प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। जुलाई में मैं कटिंग लगाई थी तो काफ़ी सारे कटिंग तैयार हो गए थे, तो उसी में ज़्यादा एकदम उसी में उलझ रहे थे, तो कहें दो कटिंग निकाले। चलिए तो इसमें हम लगाते हैं। सबसे पहले इसमें छेद करेंगे, चलिए तो इसको छेद कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे मारे हैं, ये टूट गया है, ये हो गया। चलिए तीसरी, ये देखिए इस टूटी हुई एरिया है, उसी में मैं थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा पत्थर का फंसा दी हूँ। अब इसी के ऊपर ऐसे दिया रख लूँगी। चलिए तो अब पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं फंगीसाइड को डाल के, तो फिर मिलते हैं। ये देखिए मेरी भुरभुरी सी पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुकी है। इसमें सारा मैंने मिला दिया है, ये थोड़ा सा ये नहीं ये मिलाई हूँ, थोड़ा सा ये गीला है, उसी मिट्टी में ये मिल जाएगा। चलिए तो बकेट लाते हैं। ये देखिए बकेट में मैं जो भी किचन वेस्ट मटेरियल था इसी में डाल दी हूँ, कुछ हिस्सा अब मिट्टी का डाल दूँगी मैं इसी में ऐसे करके। देखिए कुछ हिस्सा मैंने मिट्टी का इसी में डाल दिया है, अब ये अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा और डाल ले रहे हैं। फ्रेंड ये इतनी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हुई है कि आप पानी डालिएगा नीचे से बह जाएगा, पानी रुकेगा तो ये प्लांट अभी नया है, गलने का डर रहेगा इसकी जड़ों को। चलिए तब इसमें हम डालते हैं, थोड़ी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, अधिक मिट्टी पड़ गया है। क्योंकि पौधा बड़ा है ये ध्यान नहीं दी हूँ मैं। चलिए अब इसको इसी में रख के अच्छे से, तब इसमें हम मिट्टी भरते हैं। कभी भी प्लांट लगाइए, फंगीसाइड जरूर प्लांट में लगा दीजिए, और मिट्टी में भी फंगीसाइड डाल दीजिए, फंगस का अटैक ना हो। क्योंकि जो बकरी का बीट है उसमें भी फंगस होता है, और गाय की गोबर में भी फंगस होता है, मिट्टी में भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया होते हैं, तो आप फंगीसाइड डाल देंगे तो आपके प्लांट के मरने के चांस नहीं रहेंगे। नहीं डालिएगा तो 100 में 80% चांस होते हैं कि आपका प्लांट मर जाएगा, डेड हो जाएगा। चलिए तो इसको और कवर कर देते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा अच्छे से डाल दिया है, अब इसको ऊपर से ऐसे बांध देंगे किसी रस्सी की सहायता। चलिए तो ये पूरा डाल देते हैं इसमें। ये देखिए अब इसको खुरपी से अच्छे से हम दबा देंगे ताकि मेरा प्लांट एयर ना ले पाए, एयर लेने की वजह से प्लांट अक्सर डेड हो जाते हैं। तो कभी भी आप न्यू प्लांट लगाइए तो उसको ज़रूर दबा दीजिए,
चाहे वो गार्डन से उखाड़ के लगाइए या चाहे आप खरीद कर लाइए, जो भी लगाइए उसको अच्छे से ऐसे मिट्टी को दबा देना चाहिए खुरपे से, प्लांट में एयर नहीं लगना चाहिए। जब जड़ें विकास कर लेती हैं तब एयर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब न्यू प्लांट हो तो एयर नहीं लगना चाहिए फ्रेंड। इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि न्यू प्लांट है तो पानी हिसाब से ही पड़ेगा, अधिक पानी होने पर प्लांट गल जाता है। चलिए तब इसमें हम पानी लाते हैं, डालते हैं। देखिए अच्छे से मैंने दबा दिया है, अब इसको इसी में करके हम अच्छे से लपेट कर फिर बांध देंगे बाद में। ये सब मेरी कटिंग से तैयार हुई है फ्रेंड, येलो या अलमंडा है, और जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको कहीं हम दीवार पर पकड़ा देंगे, दीवार की सहायता से चढ़ जाएगा ऊपर और खिलेगा। चलिए फ्रेंड तो इसमें पानी डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका ड्रेनेज सिस्टम मैंने कितना अच्छा बनाया है। गाय का गोबर और बकरी की जो बीट होती है बहुत ही लाभदायक होती है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पानी डाला और सब अच्छे से निकल गया पानी, बस इसमें मॉइस्चराइज बना रहेगा और सारा पानी ऐसे देखिए निकल रहा है अच्छे से। उतना ही पानी रखिए कि जितनी नमी रहे, मिट्टी आपकी हल्की फुल्की गीली रहे, उसमें मिट्टी जकड़ी ना रहे पानी को, ऐसे देखिए। अब ये सुबह तक पानी मेरी एकदम सेट हो जाएगी, प्लांट सेट हो जाएगा फ्रंट सॉरी। ये देखिए कितने अच्छे से सारा निकल गया फ्रेंड। इसे दिन भर की सनलाइट चाहिए, आ इसकी मिट्टी जब भी तैयार करिए भुरभुरी तैयार करिए, और इसे किसी विशेष फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। जब पॉटिंग मिक्स तैयार करें उसी समय गाय की गोबर हो, बर्मी कंपोस्ट हो, सरसों की खली हो या भूसी हो या बकरी की लेड़ी हो, इन सबको मिलाकर आप कोई भी मतलब इसमें मिल जाए मिलाकर डाल दीजिए, उसी से आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और किसी से फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। बस इतना ही है इसका। हाँ, समय समय पर इसे फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिए और मिट्टी में भी फंगिसाइड पाउडर डालते रहिए, क्योंकि मिट्टी के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जब हम किचन वेस्ट मटेरियल वगैरह डालते हैं कभी कभी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।